गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास क्लास सेवन्थ विद यूनिट थर्ड डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन सो एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपके पास गिवन है द स्कोर इन मैथेमेटिक्स टेस्ट एक मैथेमेटिक्स uh, का टेस्ट हुआ था आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव मार्क्स जिसमें से आए गए थे सो फिफ्टीन स्टूडेंट एज फॉलोस यहाँ पर कुछ फिफ्टीन स्टूडेंट्स की ऑब्जर्वेशन जो है वो इस टाइप से आपके पास दी हुई है तो देखिए जो मैथमेटिक्स का स्कोर है वो आपके पास यहाँ यहाँ पे है फिफ्टीन स्टूडेंट्स का सो नाइनटीन ट्वेंटी फाइव इस टाइप की ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है अभी आपको क्या करना है यहाँ पे वन टू वर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहे बट एक बार अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ओके सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर दे सेम आपको क्या करना है इस डाटा का मोड एंड मीडियन फाइंड करना है ठीक है क्या आपको बताना है कि ये सेम है या नहीं है तो चलिए इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं आपको क्या करना है सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है उसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है तो इस ऑब्जर्व ऑर्डर में किस टाइप से राइट करेंगे तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है स्मॉलेस्ट टू क्या होता है ग्रेटेस्ट होता है तो स्मॉलेस्ट इसमें सबसे छोटा कौन सा है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी फाइव तो सबसे पहले हमने फाइव यहाँ पे राइट किया उससे बड़ी वैल्यू है आपके पास नाइन उसके बाद हमने नाइन यहाँ पे राइट किया उससे बड़ी आपके पास टेन वो हमने यहाँ पे राइट किया फिर आपके पास ट्वेल्व यहाँ पे ये हमने यहाँ पे राइट किया फिर आपके पास ट्वेल्व से बड़ा है फिफ्टीन यहाँ पे राइट किया उसके बाद आपके पास सिक्सटीन वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया उसके बाद आपके पास नाइनटीन वो भी राइट कर दिया उसके बाद आपके पास ट्वेंटी तो ट्वेंटी देखिए आपके पास कितने टाइम है वन टाइम ट्वेंटी टू टाइम ट्वेंटी है ना उसके बाद थ्री टाइम ट्वेंटी फोर टाइम ट्वेंटी टोटल आपके पास फोर टाइम क्या है ट्वेंटी है उसके बाद आपके पास ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री आपके पास वन टाइम है ना तो आपने वन टाइम ट्वेंटी थ्री रखा उसके बाद ट्वेंटी फोर और उसके बाद ट्वेंटी फाइव आपके पास टू टाइम है तो वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया अभी आपको क्या करना है बच्चे आपको मोड और मीडियम फाइंड करनी है तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपके पास दिया हुआ है फाइंड द मोड आपको मोड फाइंड करना है उसके बाद आपको मीडियम फाइंड करनी है तो इंट्रोडक्शन में हमने मोड एंड मीडियम की डेफिनेशन भी देखी थी और इसके फॉर्मलाज भी देखे थे भी होता क्या है मोड एंड मीडियम मोड की अगर हम बात करें तो मोस्ट अकरिंग वैल्यू इज़ कॉल्ड मोड ठीक है सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन में जो भी वैल्यू आई हुई है दैट इज मोड वो हमारा क्या है मोड है तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार सबसे मोर टाइम्स कौन सी वैल्यू आई है सो वी नो वेरी वेल द ट्वेंटी इज मोर अकरिंग वैल्यूज दैट मीन्स फोर टाइम्स फोर टाइम आ रही है ना ट्वेंटी सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ट्वेंटी जो है वो आपकी क्या है मोर अकरिंग वैल्यू है या मोस्ट अकरिंग वैल्यू है तो मोड क्या आ गया आपका ट्वेंटी आ गया ओके okay? उसके बाद हमें फाइंड करना है मीडियन तो मीडियन किस टाइप से फाइंड करेंगे तो मीडियन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे प्लस कर लेते हैं तो ऑब्जर्वेशन को किस टाइप से आपको प्लस करना है ऑब्जर्वेशन को जब आप प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपके पास सॉरी बच्चे ऑब्जर्वेशन को प्लस नहीं आप देखिए कितनी ऑब्जर्वेशन दी हुई है आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन ओके तो so, आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन भी था कि ये फिफ्टीन स्टूडेंट का आपके पास वैल्यूज जो है वो दी हुई है अभी आपको क्या करना है मीडियम फाइंड करना है तो आप, आपको पता है फिफ्टीन ऑब्जर्वेशन आई है आपको फिफ्टीन क्या होता है आपका ओड नंबर होता है अभी आपको पता है फिफ्टीन आपका क्या है ओड नंबर है अगर फिफ्टीन ओड नंबर है तो आपको अभी क्या करना है इसके अंदर आपको अभी इसके अंदर फिफ्टीन प्लस वन करना है फिफ्टीन प्लस वन कितना हो गया देखिए अगर ओड नंबर होता है ना तो इसकी मीडियम फाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एन प्लस वन बाई टू वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा सो so, एन प्लस वन बाई टू वाले फार्मूले में क्या करना है एन की वैल्यू फिफ्टीन है वो यहाँ पे पुट करेंगे प्लस वन आ गया अपोन में आपके पास टू फिफ्टीन प्लस वन हो गया सिक्सटीन अपोन में आपके पास टू सिक्सटीन को जब आपने टू से डिवाइड किया तो टू एट जो कितना आ गया आपके पास टू एट जो सिक्सटीन हो गया तो एट्थ टर्म आपकी क्या है मीडियन है तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो एट्थ एर्थथ टर्म जो है वो आपकी ट्वेंटी है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्वेंटी इज मीडियन ट्वेंटी हमारी क्या है मीडियन है तो यहीं पर हमारा इसका सोल्यूशन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है ओके okay, स्टूडेंट अभी हम इसकी सेकेंड uh, क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं सबसे पहले द रन सिक्योर्ड इन अ क्रेडिट मैच सॉरी क्रिकेट मैच द रन सिक्योर्ड रन बनाए गए क्रिकेट मैच के अंदर बाय इलेवन प्लेयर्स इलेवन प्लेयर्स के द्वारा इलेवन प्लेयर्स आपके पास इस टाइप से दिए हुए हैं कैसे आपके पास फर्स्ट प्लेयर uh, की ऑब्जर्वेशन दी हुई है सिक्स फिफ्टीन वन ट्वेंटी फिफ्टी हंड्रेड एट्टी टेन फिफ्टीन एट टेन फिफ्टीन इस टाइप से आपके पास ऑब्जर्वेशन दी हुई है अभी आपको क्या करना है फाइंड द मीन आपको इस ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड करना है सेकेंड नंबर पे आपको फाइंड करना है मोड एंड थर्ड नंबर पे आपको फाइंड करना है मीडियन आपको मीन भी फाइंड करना है मोड भी फाइंड करना है मीडियन भी फाइंड करना है ओके okay? इस डाटा का अभी आपको खुद यहाँ पे देख सकते हैं आर द आर द थ्री सेम आपको ये भी बताना है जो आपने मोड फाइंड किया मीन फाइंड किया और मीडियन फाइंड किया क्या वो ओल ऑब्जर्वेशन आपकी सेम है या नहीं है ठीक है सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सोल्यूशन सो लेट्स स्टार्ट अवर सोल्यूशन Uh, the runs secured by 11 players are arranged in ascending order at first we'll uh, arrange these observation in uh, ascending order so at first uh, find out the smallest value in this observation the smallest value in this observation that is 6 so at first we'll put 6 after that we have um after that we have 8 okay the second one is 8 and the third one is 10 and the fourth one is also 10 because 10 is twice 2 times Okay, so that's why we'll put uh, 10 two times after that 15 and 15. 15 is also two times and one three times. Okay, then um, 50, uh, then greater than 50 uh, is 80. After that, uh, 100 at last 120. Okay, at first we'll do in ascending order of this observation. So, ascending order observation is there. 8 uh, 6 8 10 10 15 15 15 50 80 100 120 at first we will find the mode of this observation so we know very well what is the definition of mode the definition of mode that is most occurring value um, in this observation that is called mode so that means uh, what is the most occurring value anyone can guess yes bill call write up answer 15 is most occurring value so that's why 15 is our mode okay so नेक्स्ट विल फाइंड मीन मीन के लिए आपको क्या करना है सभी ऑब्जर्वेशन का कर देना है प्लस एड ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय हाउ मेनी डिज इट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड डिवाइडेड बाय इलेवन सो विल फाइंड मीन ओके और राइट स्टूडेंट जब आप इसका मीन फाइंड आउट कर रहे हैं देन आपको क्या करना है सभी ऑब्जर्वेशन का प्लस करना है आपके पास आ जाएगा फोर ट्वेंटी नाइन अभी आपको क्या करना है इस फोर ट्वेंटी नाइन को इलेवन से डिवाइड कर देना तो देखिए जब हम फोर ट्वेंटी नाइन को इलेवन से डिवाइड करेंगे तो इलेवन फोर जा आ गया फोर्टी फोर वो तो ग्रेटर हो गया आपका सब ही नहीं होगा इलेवन थ्री जा आपके पास कितना आ गया थर्टी थ्री फोर्टी टू में से थर्टी थ्री माइनस किया तो कितना आ गया आपके पास नाइन अभी आपने ऊपर से भी नाइन ले आए यहां पे नाइनटी नाइन अभी ये किस पे जाएगा इलेवन नाइन जा नाइनटी नाइन तो अभी आपका ये क्या आ गया थर्टी नाइन आ गया तो यहाँ पे आपने थर्टी नाइन पुट कर दिया ओके एट लास्ट विल फाइंड द मीडियम ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन सो वी नो वेरी वेल हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर प्रेजेंट इन दिस दैट इलेवन ऑब्जर्वेशन आर प्रेजेंट ओके सो दैट मीन हम कह सकते हैं इलेवन इज ओड नंबर सो ओड नंबर के लिए हमें मीडियम का फॉर्मूला लगाना है दैट इज एन प्लस वन बाई टू

सो सिक्सथ टर्म है ना हमारी वो है फिफ्टीन सो दैट्स वाई मीडियन इज़ फिफ्टीन ओके सो फिफ्टीन हमारी क्या आ गई इस क्वेश्चन में मीडियन आ गई यहीं पर आप, आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट होता है ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो देखिए इसमें हमसे उसने ये पूछा था क्या आपका जो मीन है मोड है मीडियन है सभी के सभी ऑब्जर्वेशन क्या आपकी सेम आ रही है तो भाई सेम नहीं आ रही देखिए मीन आपके पास थर्टी नाइन है अभी आपने मीडियम फाइंड किया फिफ्टीन है मोड आपका फिफ्टीन है मोड एंड मीडियम तो इक्वल है बट मीन इज नॉट इक्वल ओके सो दैट्स व्हाई ऑल ऑब्जर्वेशन आर नॉट सेम आप ये राइट कर सकते हैं लास्ट में लाइन ऑल ऑब्जर्वेशन आर नॉट सेम तो देखिए यहां पे मैं आपको सॉरी स्टूडेंट्स सो यहाँ पे मैं आपको राइट कर देती हूँ ओल आप डाटा भी लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो हम ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं ऑल ऑब्जर्वेशन आर नॉट सेम ठीक है सारी की सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो सेम नहीं है सो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास द वेट इन के जी आपके पास वेट यहाँ पे के जी में दिया हुआ है फिफ्टीन स्टूडेंट का ऑफ अ क्लास एक क्लास के फिफ्टीन स्टूडेंट का वेट आपके पास दिया हुआ दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास फिफ्टीन ओके okay? फाइन द मोड आपको मोड फाइन करना है मीडियम फाइन करना है ऑफ दिस डाटा और आपको बताना है इस दियर मोर देन वन मोड क्या इसके अंदर एक से ज़्यादा मोड आए हैं या नहीं आए सो एट फर्स्ट विल डू अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर इन दिस ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम इसे इस ऑर्डर इस में से असेंडिंग ऑर्डर में इसे राइट करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है थर्टी टू उससे ग्रेटेस्ट है थर्टी फाइव उससे ग्रेटेस्ट है थर्टी सिक्स उससे ग्रेटेस्ट है थर्टी सेवन फिर थर्टी एट थर्टी एट थर्टी एट इस टाइप से आप फाइंड आउट करेंगे ओके? Okay? So सो well. uh, आपका फोर्टी थ्री भी आ रहा है वॉट इज दिस ये क्या हुआ है क्या हो गया यह क्या है सो so देखिए बच्चे थर्टी एट थर्टी एट थर्टी एट आपका एक ऑब्जर्वेशन के अंदर आपके टू मोड आ सकते हैं दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये है कि आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर टू मोड है दैट इज सिंपल थर्टी एट भी आपका मोड है और फोर्टी थ्री भी आपका मोड है मोड इज़ थर्टी एट एंड फोर्टी थ्री सो दैट इज आंसर ओके एट सेकेंड पॉइंट वील फाइंड मीडियन सो वी नो दे आर टोटल फिफ्टीन ऑब्जर्वेशन सो दैट फिफ्टीन इज ऑड नंबर सो वी यूज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन दैट इज एन एन एथ प्लस वन टर्म इसको हम इस टाइप से राइट करेंगे एनएथ प्लस वन टर्म ओके सो एन एथ वैल्यूज़ है आपके पास फिफ्टीन प्लस वन अबॉन टू फिफ्टीन और सिक्सटीन हो गया आपका फिफ्टीन uh, और वन हो गया सिक्सटीन इज डिवाइडेड बाई टू टू एट जो सिक्सटीन दैट मीन्स एट्थ टर्म आपकी क्या हो जाएगी मीडियन सो इन दिस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट दैट मीन्स फोर्टी फोर्टी हमारा क्या आ गया मीडियन आ गया आपसे इसमें सेकेंड पार्ट में पूछा है क्या एक से ज़्यादा मोड होते हैं तो ऑफकोर्स होते हैं तो आपको राइट करना है येस देर आर देर आर टू मोड ऑफ फॉर द गिवन डाटा इस डाटा के अंदर हमारे टू मोड निकले हैं ओके सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कम्प्लीट होता है ओके स्टूडेंट सो इस एक्सरसाइज के आपके टोटल क्वेश्चन थे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन टू सिक्स जिसमें से मैं आपको क्वेश्चन वन टू थ्री एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप थ्री फोर फाइव सिक्स ट्राई करेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे उन क्वेश्चन के अंदर देन आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं ओके हैव अ गुड डे थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो